हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि 25,000 के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि 25,000 के अंदर हम लोगों को एक अच्छा स्मार्टफोन मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मैं जो स्मार्टफोन बताने वाला हूँ इन सभी स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को बेस्ट प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पाँचवें नंबर पे जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 3 प्रो। ओप्पो की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.4 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के टॉप पे 44+2 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ओप्पो की रियर कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप 64+13+8+2 देखने को मिलेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मीडियाटेक हीलियो P95 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर 4025 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो निकल कर आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट 5G। वन प्लस की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.44 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के टॉप पे 32+8 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। वन प्लस की रियर कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप 48+8+5+2 देखने को मिलेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 765 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर 4115 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M51। सैमसंग की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.7 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 5-होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के टॉप सेंटर में 32 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। सैमसंग की रियर कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप 64+12+5+5 देखने को मिलेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 730G पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो निकल के आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी K20 Pro। रेडमी की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.39 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के टॉप पे 20 MP पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। रेडमी की रियर कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा 48+13+8 MP देखने को मिलेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 855 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की जो निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X3। रियलमी के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.57 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के टॉप पे 16+8 MP डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। रियलमी के रियर कैमरा की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप 64+12+8+2 देखने को मिलेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन 855 प्लस पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन के अंदर 4200 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यही था 25,000 के अंदर टॉप 5 स्मार्टफोन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना।